आना पड़ा मुझे अपने हक की लड़ाई के लिए। जो भी व्यक्ति होगी वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद होगी। सरकार से निवेदन करते हैं, शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि जो हमारे पक्ष में फैसला आया है उस पर तुरंत से तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करें। नमस्कार, कल हाई कोर्ट का आदेश आया था जिसमें ये आदेश दिया गया था कि जो बीएड के जो अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनकी नियुक्ति को खारिज करके बीएड के जो अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति की जाए, जिसके बाद से ही शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले में अभ्यर्थियों का आना जाना और अपनी मांगों को लेकर उनके पास पहुंचना जारी है। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ पास खड़े अभ्यर्थियों से। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है और मैं लोरमी से हूँ, काफी दूर से आया हूँ और लगातार पहली बार नहीं, मैं लगातार लगभग मैं यहाँ कम से कम 10 से 12 बार आ चुका हूँ नई सरकार गठित होने के बाद। इससे पहले भी पूर्व की सरकार थी उनके पास भी अपनी जो मांगे थी, अपनी जो हक की लड़ाई थी उसको लेकर के हम लोग बार बार गए हैं, लेकिन न्याय अभी तक हमको नहीं मिल पाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हमको न्याय दिलाया। 8 माह से लगातार संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ में एक शानदार फैसला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को कोट करके बोलते हैं कि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान ने जिस ऑर्डर में बीएड के कैंडिडेट को बाहर किया था वो पूरी तरह से सही था। इसकी पूरी पुष्टि आप 58 पेज के पूरे जजमेंट में देख सकते हैं जिसमें कोर्ट ने कहा कि केवल डीएड साथियों को ही डीएड के कैंडिडेट को ही जो है अपॉइंटमेंट के पात्र मानती है और उनको 6 सप्ताह के भीतर डीएड की सूची को अपॉइंटमेंट को निरस्त करके नई सूची बना करके डिप्लोमा जितने भी डिप्लोमाधारी है उनको नियुक्ति प्रदान करें। हमारी मांग भी यही है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार न्यायालय के निर्णय का पूर्ण पालन करे और जल्द से जल्द 6 सप्ताह के भीतर बीएड की नियुक्ति को निरस्त करके हमको नियुक्ति प्रदान करे। आप लोग शिक्षा मंत्री जी के पास जो अभी मौजूदा शिक्षा मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल उनके पास अभी पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं सर और अपने मांग को लगातार कर रहे हैं। 8 महीने से लगातार हम लोग अपने मांगों को कर रहे हैं। पिछले सरकार को भी अवगत था लेकिन चुनावी माहौल के चक्कर वोट बैंक के चक्कर में उसको शामिल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साक्षात बोला है कि बीएड को अपॉइंटमेंट करना ही नहीं है, लेकिन 35 से 40 जो जजमेंट है केस है उसको छुपा कर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दिया था, उसमें ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ये कब आया था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को जिसकी सुनवाई जनवरी 2023 में ही जो है कंप्लीट हो गई थी और ये पूरी तरह से अपील किया था 2021 के राजस्थान के जजमेंट को जिसमें साफ साफ कहा गया था कि बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आर्टिकल 21A का जो वायलेशन होगी इसकी जो है वहाँ हवाला दिया गया था वहाँ, तो उसके बावजूद भी बार बार ये पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं है जिसमें बीएड को बाहर किया गया है। तमाम ऐसे सभी राज्यों में जहाँ बीएड की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पहले शामिल हो रहे थे वहां से सभी जगह से बीएड को बाहर किया गया और वहाँ उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने सारे डिसीजन होने के बावजूद भी तात्कालिक रूप से चुनावी माहौल होने के कारण बीएड को अपॉइंटी बना दी गई। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बीएड को अपॉइंटी ऐसे नहीं बनाया गया था, उनकी नियुक्ति जो थी पूरी तरह से सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, ये वहाँ क्लियर नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर का पॉइंट देखिए, वहाँ साक्षात मेंशन है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम ये 12 नंबर पर देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट, इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो भी नियुक्ति होगी वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद होगी। तो अंतिम निर्णय आज 2 अप्रैल को आ चुका है, 2 अप्रैल को आने के बाद उसमें साफ साफ कहा है कि बीएड की नियुक्ति हो ही नहीं सकती। उसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट कहा गया जो देश के अन्य राज्यों में चल रहे थे, हाईकोर्ट में चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केस के माध्यम से पहुंचे हुए थे, जहां से सारी जगह से निस्तारित किया गया था, उसके बाद ये जजमेंट आया हुआ है। यहाँ राज्य सरकार का भी साफ साफ कहना था, जो नई सरकार गठित हुई उसके बाद फिर कोर्ट में उन्होंने सबमिशन दिया कि जो बीएड की नियुक्ति हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हुई है, वो अपना इस जॉब पर अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, अपना जो दावा है उसको नहीं कर सकते हैं। और
इसके साथ साथ एक चीज और कही जो अभी इससे पहले मीडिया में लगातार आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा धारियों की संख्या कम है, इसलिए हमको वैलिडिटी दिया जाए, हमको इसमें शामिल रखा जाए, हमको नियुक्ति से निकाला जाए। इसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संख्या में डिप्लोमा धारियों की संख्या है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पहले कर रहे राय एस ठाकुर जी ने जो कि विस्मय तेजी है उन्होंने अपने पक्ष रखा है और ये भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हुए थे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट डिसाइड करेगा करके, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज वो डायरेक्शन पे फॉलो करके डिसाइड कर दिया, हमारी लॉ पे उसमें बीएड को बाहर किया गया है। हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है, हाईकोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में है, सरकार का सरकार की तरफ से जो ये हलफनामा जो जमा किया गया था वो भी आपके पक्ष में है, तो फिर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इधर आए किस कारण? हम लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि दो तीन दिन पहले से लगातार ये बातें चल रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से बहुत भारी मुलाकात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली हमको बाहर में बुलाया जाए, हमारे परिवार हम पे आश्रित है, हम पर बहुत सारे कर्ज है करके। इस वजह से माननीय जो शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जा करके चैलेंज करेंगे करके। तो मैं सरकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये कोई आधार नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करें, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहले ही बोल चुके हैं उनकी भर्ती जो है कंडीशनल हुई थी, तो इस पद पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो अपने अलग पाने से पीछे हट रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है अभी तक आए हुए हैं उसको पालन करे। छत्तीसगढ़ सरकार चाहे पूरी राज्य सरकार हो चाहे देश के कोई भी अन्य राज्यों में या स्वयं केंद्र सरकार किसी भी न्यायालय के निर्णय से परे नहीं है, वो उससे ऊपर नहीं है, तो ये सरकार भी उसके निर्णय का पालन करे, हमारी जो है मांग है ये क्यों नहीं है। मेरा आपसे एक और प्रश्न है, अगर सरकार अपने हलफनामे से पीछे हटती है और जो फैसला उसे लागू नहीं किया जाता तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया है? हमने लास्ट एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिक्षा मंत्री जी साहब बीएड वालों को आश्वासन देते हुए बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की नौकरी बच जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, क्या बीएड वाले ही ये इस राज्य के नागरिक हैं या क्या बीएड वाले के कारण ही, क्या बीएड वाले के ही वो शिक्षा मंत्री है? बीएड वालों का शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? क्या हमारे हमारे माँ बाप के साथ हमारे मौसम भी जुड़ा हुआ है, हमारा भी जुड़ा हुआ है? अगर सरकार कोर्ट की फैसला को नहीं मानते हैं तो हम समय आने पर रोज आंदोलन भी करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि बीएड धारियों में कितना दम है, अवमानना के केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। तो ये हमारे साथ जो थे अभ्यर्थी थे बीएड के, अरे और इधर जो बैठे हैं उन लोगों से भी बात करते हैं, ये हमसे बात करना चाहते हैं, बताइए भी आप क्या कहना चाहते हैं? हम आज सभी डिप्लोमा धारी लगभग 500 की संख्या में सिर्फ एक ही मांग को लेकर गया है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है 6 सप्ताह में के अंदर मेरी सूची रिवाइज करके उन डिप्लोमा धारियों को नियुक्ति प्रदान करें। यही इसी आदेश को हम फॉलो करवाने के लिए शासन और प्रशासन से निवेदन करने आए हैं, गुहार लगाने आए हैं, अपनी पीड़ा को बताने आए हैं। पिछले 8 महीनों से हमने किस प्रकार से इस पीड़ा को झेला है हम व्यक्त भी नहीं कर सकते। मेरे को 25,000 का कर्ज है, 25,000 का मैं कर्जा लेकर के मैं केस लड़ा हूँ। बीएड वाले को क्या है? बीएड वाले को तो सैलरी मिल रही है 35,000 रुपए, उसी सैलरी का कुछ अंश लगा करके वो केस लड़ रहे हैं, उनको तो केस खेलने में मजा आ रहा है। हम किस, हमारे बहुत से ऐसे साथी है मैडम लोग है, किसी ने तो अपना गहना बेच के दिया है, किसी ने मजदूरी किया है, मेरे ऊपर 25,000 का कर्ज है, किसी ने अपने साइकिल बेचा है, किसी ने अपने धान बेच करके, मतलब इस प्रकार से इतना हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं कि हम बता ही नहीं सकते। अब अंतिम आवाज जब हमको न्यायपालिका ने न्याय दिया उसके बाद अब मंत्री जी और शासन प्रशासन एक प्रकार से डिले करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, हम और किसके पास जाएंगे? आपका नाम पहले ये बताया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से और कब से आ रहे हैं, आप ऐसे अपनी आवाज उठा रहे? मेरा नाम घनश्याम साहू है, मैं भिलाई से आता हूँ और यहाँ पे लगभग मैं पिछले 7 से 8 बार आ चुका हूँ। अब जितने बार आए हैं और बाकी साथी भी आए हैं पूरा हमारे बिलासपुर की कोर टीम और जितने भी डिप्लोमा धारी साथी के साथ आए हैं 6 से 7 बार, हर बार हमको मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। लेकिन जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तो डिप्लोमा धारी ही प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र है, उनको मेरिट रिवाइज करके 6 सप्ताह में नियुक्ति प्रदान करें। तो अब माननीय मंत्री जी का कल हमने बयान सुना तो हमको पूरी दुख भी, हमारे परिवार वाले रोने लग गए, यही शिक्षा मंत्री जी जब आप लोग जा रहे थे तो जब बोल रहे थे कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आएगा उस आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन जब बीएड वाले साथी आए उनको ये बोलते हुए कहा गया
कि हम सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये सुनकर हमको बहुत तकलीफ हो रही है। सबसे प्रश्न यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या लगता है आपको, अभी चुनाव है और इन्हें अभी जो शिक्षा मंत्री ने सांसद प्रत्याशी भी बनाया गया, तो कई चुनाव के चलते भी ऐसे जो निर्णय है उसे टालने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे, आप लोगों से अलग बात की जा रही है, बीएड वालों से अलग बात की जा रही थी, क्या चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जा रहा है? अभी तत्कालिक बयान तो यही लगता है, लेकिन देखिए साफ बात है कि बोर्ड का जो निर्णय होता है पूरे देश में हर किसी के लिए होता है, बोर्ड से बड़ा कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक, सबके लिए बोर्ड के निर्णय सर्वोपरि है। हम यही चाहते हैं कि मंत्री जी भी इस बात को समझे और हमारा दर्द समझे कि हम आज पहले तो किस तरह प्रताड़ित हुए, किस तरह शोषित हुए, एक बार जिनके पास पेमेंट हो वकील किसी तरह, एक बार जो विकलांग है, जो ऐसे कहीं जगह जो आखिरी भर्ती है इस बार उनके बाद उनकी डिग्री रद्दी हो जाएगी, वो भी ले रहे हैं, तो बोर्ड ने जो फैसला दिया है उसके माने सरकार और विभाग और जल्द से जल्द 6 सप्ताह के भीतर हमको नियुक्ति प्रदान करे। हमारे पास ऐसे अभ्यर्थी भी है जी डी एड के जो दिव्यांग है, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपने नाम बताइए। जितेंद्र कुमार सिन्हा। आपने भी एग्जाम दिया था? जी मैंने भी 2023 का एग्जाम दिया था, सहायक शिक्षक का सर। कहाँ से आप? मैं धमतरी से हूँ सर। धमतरी से है जी। आप भी 8 महीने से लगातार आ रहे हैं? हाँ सर, हम लोग भी अपने हक के लड़ाई के लिए 8 महीने तक अपना लड़ रहे हैं सर। और देखिए सर, मैं विकलांग होते हुए भी मैं यहाँ तक आना पड़ा मुझे अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि सर और हम किसके पास जाए, यही तो हमारा मलेशिया से आस है यही, क्योंकि हमारा वो है सर सरकार है सर, उसी के पास जाएंगे सर, क्योंकि मेरा एज भी निकलता जा रहा है सर और लास्ट मतलब 40 साल होने जा रहा है सर, है ना, तो आप और मेरे घर में कोई नहीं है सर। देखिए मेरा हालत देखिए, दिव्यांग होते हुए और इतना पढ़ने लिखने के बाद अपना हक नहीं मिला तो मैं किसके पास जाऊंगा सर, बताइए आप ही बताइए। यहाँ पास यहाँ एक महिला है बताया जा रहे थे, यहाँ जो अपराधपुर के बारे में बताया जा रहा था, ये भी पिछले 8 महीने से लगातार आ रही है। सबसे पहले अपने नाम बताइए। आपकी बेटी ने एग्जाम दिया था? मेरी बेटी, मैं गरीब था, मेरी बेटी ज्यादा थोड़ी करके मैं पढ़ा, आज हाई कोर्ट में 8 महीना से मेरा खर्चा मिल रहा है। 8 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे, सरकार अपने अलग खाने से पीछे हट रही है, जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का उससे पीछे हट रही है, यहाँ पे रो रहा है। आपने कब दिया था एग्जाम? 2023 में एग्जाम दिया था आपने? आप लगातार अपनी माता जी के साथ आ रही है? जी माँ मेरी साथ हमेशा से आ रही है, जब तक 8 महीने हो गए हम लोग को लड़ाई करते हुए, और वही है की 8 महीने के कड़ी संघर्ष के बाद हाई कोर्ट से हमारी जीत हुई है, और हम ये सरकार से निवेदन करते हैं, शिक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि जो हमारे पक्ष में फैसला आया है उस पर तुरंत से तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करें। तो छात्र जिनके हक में फैसला गया हाई कोर्ट में, सरकार के हलक नामे में भी ये कहा गया था जो बीएड के लोग है, जो बीएड के विद्यार्थी थे उनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन जो उनका सिलेबस था वो सिलेबस आउट करते हैं, बाहर करते हैं, जो जिस हिसाब से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुए, बल्कि वहाँ बस नियुक्ति बीएड के छात्र छात्राओं की अभ्यर्थियों की होनी चाहिए थी, लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी उनकी हुई है, और अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है बीएड के अभ्यर्थियों के पक्ष में, लेकिन वे अभी भी लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार कर रहे हैं कि जो निर्णय आया है, जो निर्णय आया है कि 6 हफ्ते के अंदर इन्हें नियुक्ति दी जाए, उसके लिए भी अभी भी ये गुहार कर रहे हैं बीएड के छात्र। इससे पहले बीएड के छात्र आए थे, बीएड के छात्र छात्राएं जो है, जो अभ्यर्थी है, उन्हीं का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया था, बीएड के जो अभ्यर्थी उन्हें ये आश्वासन दिया था कि हम जो निर्णय आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो ऐसे में बीएड के छात्र एक बार फिर डरे हुए हैं और लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सूर्य के साथ मैं राजेंद्र पांडे, सोनी टाइम्स रायपुर।